Exercise 10.3, question 1. Can a polyhedron have for its faces 3 triangles, 4 triangles, third a square and 4 triangles? तो यहाँ पे ये पूछा है कि 3 triangles से polyhedron form होता है, 4 triangles से polyhedron form हो सकता है, और 1 square और 4 triangles से तो polyhedron form होता है. अब पहले हम समझ लेते हैं कि polyhedron है क्या. तो polyhedron एक 3D shape है, 3 dimensional shape है, जो कि बनता है प्लेन फेसेस से. ठीक है, प्लेन फेसेस यानी कि ये जो हमारा पेपर है वो प्लेन फेस है. तो इसमें से हम कोई पार्ट कट करते हैं, ये ट्रायंगल ऐसे, तो ये हुआ प्लेन फेस. ठीक है, अब जो कर्व बनता है जैसे कि बॉल होता है तो वो कर्व है तो वो नहीं चलता है. ठीक है, प्लेन फेसेस से फॉर्म होता है, 3D शेप है. तो अब हम 3 ट्रायंगल लेते हैं, सपोज ऐसे 3 ट्रायंगल कट करते हैं पेपर के, और एक 3D शेप जो कि क्लोज हो वो बन सकता है. तो हम सोचेंगे कि वो नहीं बन सकता, कुछ भी ट्राई करेंगे कोई एक पोर्शन ब्लैंक रह जाएगा. सपोज हम ट्राई करते हैं बनाना, तो ये एक ट्रायंगल किया, ये सेकंड और थर्ड. तो बेसिकली क्या होता है कि ये नीचे का एक पोर्शन है वो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 4 ट्रायंगल तो चाहिए ही बनाने के लिए. तो 3 ट्रायंगल से ये बन नहीं पाएगा. ठीक है, ये एक शेप है, ये पॉलीहेड्रन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, 3 ट्रायंगल से नहीं होगा, लेकिन एक चौथा ट्रायंगल ऐड हो जाएगा तो पॉलीहेड्रन हो जाएगा. तो कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स? तो नो. तो फर्स्ट का आंसर आएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ पॉलीहेड्रन has 3 triangles. अब 4 triangles हो गए तो हाँ possible है कि एक ये arrange किया, ये दूसरा, तीसरा उसके back में, और ये fourth वाला base में, तो एक 3D shape हो जाता है, closed shape. तो 4 triangle में possible है. ठीक है, तो yes 4 triangles can be the faces of a polyhedron. और जो थर्ड वन है, a square and 4 triangles. तो सपोज एक स्क्वायर का पीस कट किया हो ये इस तरह से. ठीक है, अब जो 4 ट्राइंगल है उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल, और फोर्थ उसके अपोजिट साइड में. तो ये 3D शेप हो गया जो कि प्लेन फेस से बना हुआ है. ठीक है, तो यस, तो एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल, तो ये पॉसिबल है. यस अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स कैन बी द फेसेस ऑफ पॉलीहेड्रन. इसके बाद हम क्वेश्चन 2 लेते हैं. तो क्वेश्चन 2, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? थिंक ऑफ अ पिरामिड. ठीक है, तो पहले पॉलीहेड्रन क्या है कि एक क्लोज 3D शेप है, यानी कि वो अपनी हर एक साइड से क्लोज है. ठीक है, अब मिनिमम हम देखते हैं तो एक पिरामिड बना सकते हैं, यहाँ पे पिरामिड जो सबसे छोटा, सबसे कम फेसेस में, तो उसका बेस ट्रायंगल है, और उस उसका जो अपर पोर्शन है वहां पे 3 फेसेस है, 1 2 3, टोटल 4 फेसेस. तो एटलीस्ट सबसे लोवेस्ट है ये 4 फेसेस. ठीक है, अब 4 से ज्यादा होंगे तो हम और कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने हेक्सागोन लिया. ठीक है, अब यहाँ पे हर एक पे हम एक एक ट्राइंगल लगाते हैं. ठीक है, तो मतलब कि 4 मिनिमम है, 4 से ज़्यादा कितने भी फेसेस हो उसे हम पॉलीहेड्रन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 4 तो रिक्वायर्ड है. हमारे पास सिर्फ 2 टुकड़े हो या 3 टुकड़े हो तो उससे वो पॉलीहेड्रन क्लोज नहीं होगा, 3D शेप नहीं बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ फेसेस इज 4
और मोर देन फोर, फोर या फोर से ज्यादा हो गए तो ये पॉलीहेड्रन फॉर्म हो सकता है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन थ्री, विच आर प्रिजम्स अमंग द फॉलोइंग, तो इन चारों में से कौन कौन से प्रिज्म है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो प्रिज्म ऐसा होता है, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही पेज है। ठीक है, तो दीज आर प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होता है कि ऊपर और टॉप और डाउन वो दोनों जो फेजेस होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, यानी कि दोनों सेम पॉलीगन होते हैं। सपोज ट्राइंगल है तो ट्राइंगल है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है, तो दोनों सेम होते हैं। और उसके जो अदर फेसेस है यानी कि ये वाला और ये वाला, तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम का फेस ऐसा शेप ऐसा होता है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये प्रिज्म है। ये वाला देखिए तो इसका ये टॉप और ये बॉटम दोनों सेम पॉलीगन है, और उसके जो अदर फेसेस है तो वो पैरेललोग्राम है, तो ये प्रिज्म है। अब पिरामिड में क्या होता है, एक पॉलीगन होता है और दूसरा क्या होता है, बाकी सब एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक ही पॉइंट पे सब मीट करता है। जैसे कि आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, धम हमें मूवीज में दिखाई देते हैं, तो वो जो फेजेस है वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, कॉमन पॉइंट पे, तो ये पिरामिड होता है। तो प्रिज्म का हमने समझ लिया, प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन व्हिच बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन एंड व्हिच अदर फेसेस इक्वल लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप। तो ये टॉप, ये बॉटम और ये लेटरल फेस, तो ये समझ के हम इन सब क्वेश्चन के आंसर। तो विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग, तो ये है अ नेल, तो ये डेफिनेटली प्रिज्म नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो। अब अनशार्पनड पेंसिल, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये टॉप लेते हैं और ये वाला पीछे का बॉटम, तो ये हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, तो वो दोनों सेम है, टॉप बॉटम। अब जो बाकी के जो लेटरल फेसेस है तो ये सब रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम है, यानी कि ये प्रिज्म हो गया। ठीक, हमें दो कंडीशन चेक करनी है, टॉप बॉटम सेम होना चाहिए यानी कि कॉन्ग्रुएंट, और लेटरल फेसेस पैरेललोग्राम होने चाहिए। अब नेक्स्ट है टेबल वेट, तो ये पिरामिड है, कॉमन वर्टेक्स है, तो ये प्रिज्म नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो, यहाँ पे था यस। अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, तो ये टॉप है और नीचे बॉटम होगा, पीछे की साइड इस तरह का होगा पूरा बॉक्स। ठीक, तो टॉप और बॉटम सेम है और ये सब लेटरल फेसेस पैरेललोग्राम है, तो ये हो गया प्रिज्म, यस बॉक्स इज अ प्रिज्म।